साथियों, राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा ये जो संगठन है, इस संगठन के द्वारा आज का महाराष्ट्र राज्य का सम्मेलन अधिवेशन यहाँ रखा गया है। इस अधिवेशन में बहुत सारे विषय, बहुत सारे सब्जेक्ट रखे गए हैं। समय बहुत सारा हो गया, ज्यादा समय ना कहते हुए कुछ बातें जो अहम बातें हैं, उन अहम बातों को ही मैं आप लोगों के सामने रखना चाहता हूं। सबसे पहले ये आप लोगों को बताया जाना जरूरी है कि मैं बामसेफ संगठन को देश में चलाता हूँ। 42 साल हो गए। ये SC ST OBC माइनॉरिटी, इन लोगों के कर्मचारियों का संगठन है। फिर जो कर्मचारी नहीं है, उन लोगों को आंदोलन करने के लिए तैयार करने के लिए भारत मुक्ति मोर्चा नाम का संगठन बनाया। तो ये बामसेफ लोगों को जगाकर जोड़ने का कार्यक्रम है। भारत मुक्ति मोर्चा लोगों को जगाकर जोड़ने का कार्यक्रम है। बहुजन क्रांति मोर्चा लोगों को जगाकर जोड़ने का कार्यक्रम नहीं है, बल्कि संगठनाओं को जगाकर जोड़ने का कार्यक्रम है। ये संगठन थोड़ा अलग है। ये जो छोटे 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 संगठन है सारे देश भर में, छोटे छोटे संगठन की वजह से भी हम तकसीम हो गए हैं। अलग अलग संगठन की वजह से भी हम लोग तकसीम हो गए हैं, बट गए हैं। और ये हमारे दुश्मनों ने बांटने का काम नहीं किया, हमारे पढ़े लिखे लोगों ने ही ये काम किया। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि उनका मकसद बुरा है, गलत है, मगर हम तकसीम हो गए हैं ये निश्चिंत है। हम बढ़ गए हैं ये निश्चिंत है। और जब तक बटे रहेंगे हम पीटते रहेंगे, हमारी पिटाई होती रहेगी। शेड्यूल कास्ट की पिटाई हो रही है, शेड्यूल ट्राइब की पिटाई हो रही है, नॉमिनिक ट्राइब की पिटाई हो रही है, MBC की पिटाई हो रही है, OBC की पिटाई हो रही है, माइनॉरिटी में मुसलमान की पिटाई हो रही है, ईसाई की पिटाई हो रही है, बुद्धिस्ट की, जैन की पिटाई हो रही है, लिंगायत की पिटाई हो रही है, सिखों की पिटाई हो रही है, इन सब की पिटाई हो रही है। देश में ब्राह्मण की पिटाई नहीं हो रही है, पारसियों की पिटाई नहीं हो रही है, यहूदियों की पिटाई नहीं हो रही। थोड़ा ये भी मालूम हो जाए कि किसकी पिटाई नहीं हो रही है, क्योंकि आप लोगों को थोड़ा समझ में आ जाए मामला क्या चल रहा है। नेशनल इंटरनेशनल मामला है, सामान्य मामला नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ब्राह्मणों की पिटाई करनी चाहिए, यहूदियों की पिटाई करनी चाहिए या पारसियों की पिटाई करनी चाहिए, मैं ये नहीं कह रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूं कि हमारी पिटाई हो रही है और इनकी इनकी पिटाई नहीं हो रही है। कम से कम जानकारी के लिहाज से ये जानकारी होना बहुत जरूरी है। तो हम लोगों की पिटाई हो रही है, हम लोगों के ज्यादा बड़ी संख्या में तकसीम होने की वजह से। हमको तो SC ST OBC को 6,000 टुकड़ों में ब्राह्मणों ने बांटा। आप लोगों को पता नहीं है, अंग्रेजों ने हिंदू और मुसलमान दो हिस्सों में बांटा था, मगर ब्राह्मणों ने शेड्यूल कास्ट की 1700 जातियां बनाई, आदिवासियों की 800 से ज्यादा टुकड़े किए और पिछड़े वर्ग के 3,743 जातियां बनाई, 6,000 से ज्यादा टुकड़े बनाए। मैं कंपैरेटिवली इसलिए बता रहा हूं कि मुसलमान अंग्रेजों को बहुत ज्यादा खतरनाक मानते थे
और इसीलिए ब्राह्मणों के साथ इत्तेहाद कायम करते हुए मुसलमानों ने ब्राह्मणों से इत्तेहाद कायम करते हुए अंग्रेजों को भगाया, इतिहास है। इसी वजह से जवाहरलाल जी प्रधानमंत्री बने। तो हम लोग आपको ये जानकारी दे रहे हैं कि अंग्रेजों ने हिंदू और मुसलमान दो टुकड़ों में लोगों को बांटा था, ब्राह्मणों ने हम लोगों को 6,000 टुकड़ों में बांटा, ताकि आप लोगों को कम से कम थोड़ी ये जानकारी हो जाए। 6,000 टुकड़े ये सरकार की लिस्ट में, रिकॉर्ड में, शेड्यूल कास्ट की 1700 जातियां, आदिवासियों की 800 से ज्यादा ट्राइब्स और ओबीसी की 3,743 जातियां, ये सारी की सारी सरकारी रिकॉर्ड में नाम के साथ है, रजिस्टर है। अंग्रेजों ने हिंदू मुसलमान दो हिस्सों में बांटा, अगर ये दो के आंकड़ों से 6,000 का भागाकार कर लो तो आंकड़ा निकलता है 3,000 का, तो ब्राह्मण अंग्रेजों से 3,000 गुना ज्यादा खतरनाक है। मुसलमानों ने ध्यान नहीं रखा इस बात का। आप लोग भाषणों में, तकरीरों में कहते रहते हैं कि ममद साहब को ये पूछा गया कि मजलूमों और जालिमों दोनों की मदद करनी चाहिए, तो साहबा ने पूछा, आप लोगों से सुना, कई बार सुना, क्योंकि मुसलमानों के सम्मेलनों में जाता रहता हूं तो लोग ये किस्सा लगभग हर जगह सुनाते, शायद वो मेरी जानकारी बढ़ाना चाहते हैं, अच्छी बात है, जैसे मैं आपकी जानकारी बढ़ा रहा हूं। तो मुसलमानों ने मुझे ये कहा कि मोहम्मद साहब को ये पूछा गया बाद में कि आप कह रहे हैं मजलूमों और जालिम दोनों की मदद करनी चाहिए, तो मजलूम की मदद करनी चाहिए तो समझ में आता है, जालिम की मदद करनी चाहिए ये समझ में नहीं आता है, ये जरा बताइए। तो जालिम को जुल्म करने से रोको, ये जालिम की मदद है। यहां तक हर बार मुसलमानों ने मुझे बताया, मगर जो दूसरी बात है, मजलूम की मदद करनी चाहिए, ये तो समझ में आ गई, मगर इसको कैसे करना है, इसको कैसे करना है, इसके बारे में किसी मुसलमान ने मुझे आज तक नहीं बताया, मिर्जा साहब आज तक नहीं बताया ये कैसे करना चाहिए। मतलब ये बात मैं आप लोगों को बहुत खास तौर पर तवज्जो देकर के सुनाना चाहता हूं कि मजलूमों को मदद करनी चाहिए ये कैसे होगी। जब इसके बारे में किसी मुसलमान ने मुझे नहीं बताया, तो क्या किसी मुसलमान ने किसी दूसरे मुसलमान को बताया कि मदद कैसे करनी चाहिए? जब तक एक मुसलमान दूसरे मुसलमान को नहीं बताएगा कि मजलूम की कैसे मदद करनी चाहिए, तब तक मुसलमान मदद कैसे करेगा, कैसे करेगा? छोटा सवाल है, बहुत छोटा सवाल है, मगर उसके परिणाम बहुत भयंकर है। उसके परिणाम क्या होते हैं? लोग भाषण में उदाहरण देते रहते हैं, अमल नहीं करते। इसका परिणाम यह होता है कि लोग भाषण में ये उदाहरण देते रहते हैं मगर अमल नहीं करते, और जब तक अमल नहीं होगा कुछ भी नहीं होगा, जब तक अमल नहीं होगा कुछ भी नहीं होगा। आप 5 बार अमल कर लो, 5 बार नमाज पढ़ लो और मजलूम की मदद ना करो, वो आखिरत में अल्लाह ताला
कि मेरी नमाज आपने 5 बार नहीं पढ़ी, चलो मैं तो रहम करने वाला हूँ, रहम कर दूंगा, मगर मजलूम की मदद आपने नहीं की, तो ये तो मजलूम का हक है, वो आपको माफ करे ना करे, तो मैं तो कंप्लेंट कर रहा हूँ आप लोगों के सामने। आखिरत तो बहुत आगे वाला है, अभी कर रहा हूँ, अभी जिंदगी में कर रहा हूँ, क्योंकि अगर अभी तक नहीं किया तो इसमें सुधार करने का अभी मौका है, अवसर है। तो मदद करने के लिए सबसे पहले क्या करना होगा, मुसलमान ने मुसलमान को नहीं बताया, आलिमों ने बताना चाहिए था, आलिमों ने बताया या नहीं बताया मुझे पता नहीं है, हो सकता है बताया हो, मगर मैं ऐसे मानता हूं कि मुसलमानों को एक सबसे पहले ये बात बताना जरूरी है कि जिन मजलूमों की मदद करना है भारत में, वो मजलूम है कौन। जिन मजलूमों की मदद करने के लिए मोहम्मद साहब ने कहा, वो मजलूम भारत में है कौन। अगर उसको आइडेंटिफाई नहीं किया गया, उनकी शिनाख्त, उर्दू में शिनाख्त ही कहते ना, मतलब मुसलमानों के बीच में, थोड़ा मैं उर्दू बोल लेता ताकि आपको जो मैं कहना चाहता हूं वो बात आपको समझ में आ जाए। हिंदी में पहचान बोलते हैं, उर्दू में शिनाख्त बोलते हैं, अब थोड़ा मैं ट्रांसलेशन भी करने तक उर्दू समझ रहा हूं। साथियों के मुसलमान जब तक इस बात की शिनाख्त नहीं कर ले कि आखिरकार भारत में मजलूम कौन है जिनकी मदद की जाए। मदद करना दूसरे नंबर का काम है, पहले नंबर का काम शिनाख्त करना है। पहले नंबर की ही जानकारी नहीं है तो दूसरे नंबर का काम कैसे होगा। थोड़ा बुरा लगेगा आप लोगों को, मगर दवा कड़वी होती है, जब डॉक्टर दवा देता है दवा कड़वी होती है, मगर दवा आदमी जब ले लेता है तो पीते वक्त कड़वी लगती है मगर आराम जरूर होता है, आराम जरूर होता है, पीते वक्त कड़वी लगती है आराम जरूर होता है। जो मैं आपको बता रहा हूं वो दवा कड़वी है, आराम जरूर देने वाली दवा है। साथियों आपको हिस्टोरिकल फैक्ट के आधार पर ये बात बताता हूं, सम्राट बृहदत्त मौर्य साधारण आदमी नहीं था, अफगानिस्तान तक जिसका राज था भारत में, सम्राट बृहदत्त मौर्य अशोका का पंतो, पुष्यमित्र शुंग नाम के ब्राह्मण ने पटना में उसकी हत्या की। देश का इतिहास मुसलमानों को मालूम होना चाहिए, बहुत जरूरी जरूरी इतिहास, सम्राट बृहदत्त मौर्य, हम मूल निवासियों का सम्राट, जिसके बारे में दुनिया के सबसे बड़े अर्थशास्त्री ने कहा कि ये वैसा साम्राज्य था जब देश का जीडीपी 31% था, अभी तक ब्राह्मणों के राज में जीडीपी केवल 9% तक ही रहा है, मगर मौर्य का जीडीपी 31% था, तो भारत दुनिया की महाशक्ति था। 31% ए सेन जो अमर्त्य सेन जो है अर्थशास्त्री, उसका कहना है उस सम्राट बृहदत्त मौर्य की पुष्यमित्र शुंग ने पटना में हत्या की। हत्या करने के बाद वहां से निकलकर वो वाराणसी आया, वाराणसी से फैजाबाद आया, और फैजाबाद के पास
उस समय की सबसे बड़ी व्यापारिक सेंटर था, उसका नाम था साकेत। तो साकेत का नाम बदल कर पुष्यमित्र शुंग ने अयोध्या रखा। अभी आप लोगों का झंझट जो है अयोध्या के साथ जो लगा हुआ है वो अयोध्या, आप लोगों को मालूम नहीं है ये बात। ये जो अयोध्या है ये अयोध्या राजधानी राम की नहीं है। इतिहास में लिखा है अयोध्या राम की राजधानी नहीं, पुष्यमित्र शुंग ने बनाई अयोध्या राजधानी। और जब पुष्यमित्र शुंग के दरबार में वाल्मीकि राज कवि थे और उसने पुष्यमित्र शुंग को सामने रख कर रामायण लिखी, तो रामायण का राम कोई और नहीं है पुष्यमित्र शुंग ही है, जिस राम के नाम पर आप लोगों से इस देश में अभी झगड़ा खड़ा किया गया है। हिस्टोरिकल फैक्ट बता रहा हूं, उत्तर प्रदेश के सरकार में क्रमिक किताबों में अभी भी पढ़ाया जाता है साकेत का नाम बदलकर पुष्यमित्र शुंग ने अयोध्या रखा। ये हमारे चौधरी विकास पटेल जी उसी इलाके के हैं, उस इलाके में अभी भी पुराना विश्वविद्यालय है, उसका नाम है साकेत विश्वविद्यालय है। एंशियंट इंडिया में विदेशों में व्यापार का बहुत बड़ा सेंटर था साकेत। साकेत का नाम बदल कर पुष्यमित्र शुंग नाम के ब्राह्मण ने अयोध्या नाम बनाया। उसके दरबार में वाल्मीकि राजकवि थे, उन्होंने पुष्यमित्र शुंग को सामने रखकर रामायण लिखी। रामायण का राम कोई और नहीं है पुष्यमित्र शुंग ही है। इसलिए आज तक ब्राह्मण कोर्ट में ये सिद्ध नहीं कर पाए कि राम का कोई भौतिक सबूत है, अभी तक साबित नहीं कर पाए। उसका कारण है कि राम नाम का कोई भी व्यक्ति पैदा नहीं हुआ, जो हुआ वो पुष्यमित्र शुंग है और उसी को रामायण में राम बताया गया है। यह बात केदारनाथ पांडे महापंडित राहुल सांकृत्यायन उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ के रहने वाले ब्राह्मण केदारनाथ पांडे, उनको कहा जाता है महापंडित राहुल सांकृत्यायन, वो महापंडित माना जाता है। उसने कहा ये पुष्यमित्र शुंग है और साकेत का नाम बदल कर अयोध्या रखा गया, ये खुद ब्राह्मण ही कह रहा है। ओलगा से गंगा नाम की जो किताब है, अलीगढ़ में भी यूनिवर्सिटी में वो है, आप देख लेना, रिकॉर्ड में है, सारा रिकॉर्ड में लिखा हुआ है। उसके बाद हत्या करने के बाद सारे देश भर में बुद्धिस्ट लोगों की हत्याओं का सिलसिला शुरू हुआ, जैसे अभी मुसलमानों की हत्याओं का सिलसिला चल रहा है वैसा सिलसिला उसके बाद शुरू हुआ। बौद्ध भिक्षुओं का अभी जैसे मुसलमान और उलेमाओं का होता है, क्रिश्चियन फादर और पास्टर का हो रहा है, वैसे बौद्ध भिक्षुओं का कत्लेआम हुआ सारे देश भर में। और बहुत सारे जो भिक्षु है वो तिबेट में चले गए और यहां बुद्धिस्ट धर्म का प्रचार प्रसार करने वाले जो लोग हैं वो खत्म हो गए। और उसके बाद ब्राह्मणों ने बौद्ध फेमस विहारों पर कब्जा करके विहारों को मंदिर बनाया। श्री श्री रविशंकर ने जब कहा था ना कि इसको आप दे दो, तो मैंने लेटर लिखा था उसको कि आप कह रहे हो मंदिर गिराकर मस्जिद बनाई
तो मैंने उसको पूछा कि क्या गिराकर मंदिर बनाया था, ये भी बता दो। मंदिर गिराकर मस्जिद बनाई ऐसा आप कह रहे हो, तो क्या गिराकर आपने मंदिर बनाया ये भी बता दो। नहीं बताओगे तो अभी तुम्हारी सरकार है इसलिए नहीं बता रहे हो, नहीं तो ये ज्यादा समय नहीं लगेगा। सरकार की वजह से तुम ऐसा कर रहे हो, तुमको पुलिस प्रोटेक्शन है, एडमिनिस्ट्रेशन का प्रोटेक्शन है, जुडिशियरी का प्रोटेक्शन है, इसलिए कह रहे हो। ये प्रोटेक्शन हटाने दो या हट जाने दो, आप कुछ नहीं कर पाओगे। राज्य सत्ता पर अवैध तरीके से हिंसा करके काबिज होने के बाद उन्होंने ये सब किया। अभी भी जमीन के नीचे या कहीं कहीं मंदिर, गिरे हुए मंदिर को जब पुनर्निर्माण किया जाता है तो जमीन के नीचे खोदा जाता है, तो खोदने के बाद बौद्ध विहार मिलता है। कई जगह ऐसे हो रहा है, विहार मिल जाता है। तो मैं ये इसलिए आप लोगों को बता रहा हूं, सम्राट बृहदत्त मौर्य के बाद जो प्रतिक्रांति हुई उसके बाद रामायण, महाभारत, गीता, पुराण, श्रुति, स्मृति ये सब लिखे गए। ब्राह्मण कहते ना प्राचीन प्राचीन प्राचीन, बहुत प्राचीन। अरे कितना प्राचीन है भाई, है मौर्य की हत्या करने के बाद लिखा, तो तुमसे प्राचीन तो मौर्य है और मौर्य से भी पीछे बुद्ध है, इतना प्राचीन तो है नहीं। हमारे पांच जो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है उसके आधार पर तुमने महाभारत, रामायण, गीता, श्रुति, स्मृति, पुराण ये सब तो मौर्य की हत्या करने के बाद लिखे, और उसके बाद इन लोगों ने दो बड़ा काम किया, उन्होंने वर्ण व्यवस्था को दोबारा स्थापित किया, और जिन बैकवर्ड क्लासेस के लोगों ने उनकी बातों को माना उनको वर्ण सिस्टम में उन्होंने शूद्र घोषित किया, और जिनको नहीं बुद्धिस्ट लोगों ने, जिन बुद्धिस्ट लोगों ने नहीं माना उन नहीं मानने वाले लोगों को, बुद्धिस्ट लोगों को ब्राह्मणों ने अछूत घोषित किया। मुसलमानों को सबक ग्रहण करने के लिए बोल रहा हूं, बहुत फंडामेंटल बात। अभी इंडियन एक्सप्रेस में एक क्रिश्चियन आदमी ने, जो गुजरात का आईएएस आदमी था, रिटायर्ड, इस्तीफा दे दिया बाबरी मस्जिद गुजरात में फसाद होने के बाद, उसने इंडियन एक्सप्रेस में आर्टिकल लिखा। आर्टिकल में क्या लिखा कि आज के तारीख में कोई भी संगठन, कोई भी पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन मुसलमानों को मदद करने के लिए तैयार नहीं है, बल्कि मुसलमानों को उन्होंने एक तरीके से अछूत बना दिया, अछूत मान लिया। जब मैंने वो आर्टिकल पढ़ा अजरी साहब, तो मुझे वो इतिहास याद आया हमारे पुरखों का। अरे हमारे पुरखों को भी इन लोगों ने, बुद्धिस्ट लोगों ने अछूत घोषित किया था। अब अछूत बनाने का जो संदर्भ है अब वो मुसलमानों पर लागू कर रहे हैं, और ये बातें वो राज्य सत्ता की मदद से कर रहे हैं। उस समय भी राज्य सत्ता की मदद से कर रहे थे, अभी भी राज्य सत्ता की मदद से कर रहे हैं। उन्होंने हमारे लोगों को 6000 जाति के टुकड़ों में बांटा, केवल टुकड़ों में ही नहीं बांटा, बल्कि उन्होंने अनटचेबल भी घोषित किया। एक टुकड़ों में बांटा, दूसरा कुछ लोगों को टचेबल अनटचेबल बनाया, ताकि मूल निवासी के ही लोग आपस में टचेबल अनटचेबल में लड़ते रहे। आज ओबीसी और शेड्यूल कास्ट के बीच में जो झगड़ा होता है वो टचेबल और अनटचेबल के आधार पर होता है, ये शैतानी ब्राह्मणों की है। हम खुल्लम खुल्ला बोलते हैं तो किसी की भी औकात नहीं है कि ये गलत है। वामन मेश्राम बोल रहे, आज तक किसी ब्राह्मण ने नहीं कहा,
मिर्जा साहब, किसी ब्राह्मण ने नहीं कहा कि वामन मेश्राम जो बोलता है गलत कह रहा है। हाँ, ब्राह्मण मुसलमान के कान के पास आकर कहता है वामन मेश्राम गलत कह रहा है, कान में कहता है मुसलमान। अगर उस मुसलमान ने हमें बता दिया तो हम उसको जवाब दे देंगे, उनको जानकारी दे देंगे। और ब्राह्मण ने कान में बताया और मुसलमान ने अपने ही पास रखा तो गुमराह हो जाएगा। पत्रकार साहब समझ रहे ना, क्योंकि जानकारी खुली होनी चाहिए, पारदर्शी होनी चाहिए। ब्राह्मण का शैतानी दिमाग ऐसा है वो कान में बोलता है, दूसरे आदमी को भी मालूम नहीं होने देता। बाकी दूसरे को मालूम हो गया तो वामन मेश्राम तक पहुंच जाएगा, वामन मेश्राम के पास हर सवाल का जवाब है, ब्राह्मण के हर सवाल का मेरे पास जवाब है, मेरे सवाल का ब्राह्मण के पास जवाब नहीं है। मैं हम बताता हूं, मेरे सवालों का जवाब नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में मैंने चुनाव आयोग को पूछा, अभी तक कोई जवाब नहीं दिया। तो मेरे हाथ में तो कोई चाकू छुरी बंदूक गोली कुछ भी नहीं है, ये लकड़ी भी नहीं, इतनी लकड़ी भी लेकर मैं नहीं चलता हूं। मैं संविधान के दायरे में आर्टिकल 19 में बोलने की, अपने विचार का प्रचार प्रसार करने की जो आजादी मुझे मिली है संविधान के अनुसार, केवल उसका उपयोग करता हूं, उसके तहत बोल रहा हूं कि हमारे लोगों को राज्य सत्ता की मदद से 6000 जाति के टुकड़ों में बांटा, राज्य सत्ता की मदद से हम लोगों को अछूत घोषित किया। आज राज्य सत्ता की मदद से ही ब्राह्मण मुसलमानों को अछूत घोषित करने की दिशा में कोशिश कर रहे हैं। इससे क्या होगा जानते हो? क्योंकि पहले कांग्रेस आपको मदद करती थी, अभी आपको एहसास हो रहा होगा, अभी उमरेन साहब बोलकर गए कि जो सेकुलर 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 कहने वाली तंजीम है कहाँ गई। ओ उमरेन साहब अभी गए, मुझे बड़ी खुशी हुई उमरेन साहब ऐसा बोल रहे हैं। 4.5 साल तक मुसलमान ऐसा बोलते हैं और जब चुनाव आता है, 6 महीने का समय आता है, तब मुसलमान कहते हैं यार बीजेपी के विरोध में कांग्रेस को ही वोट देना पड़ेगा क्योंकि कांग्रेस के अलावा कोई विकल्प नहीं। 4.5 साल तक कांग्रेस के विरोध में बोलते हैं और चुनाव के 6 महीने में मिर्जा साहब कुछ ऐसा क्यों किया? आप मजबूरी है मेश्राम साहब, आप समझ नहीं रहे हमारी मजबूरी। अरे क्या मजबूरी है भाई, अल्लाह ताला ने कुरान में सारे रास्ते बताए। और अगर कोई कंफ्यूजन है तो मोहम्मद साहब ने हदीस में बताया कि संकट काल में कैसे काम करना चाहिए, रास्ते हैं। जालिम के साथ दोस्ती करने से जालिम मदद, जालिम जो है ताकतवर बनता है। मोहम्मद साहब ने जवाब दिया जालिम को रोको, ब्राह्मण जालिम है। कैसे कैसे ब्राह्मण कैसे जालिम है? डीएनए के अनुसार रिसर्च मेडिकल साइंस ने प्रूव किया यहूदी ज्यूस और ब्राह्मण तीनों का डीएनए एक ही है। यूरेशियन ज्यूस यहूदी और ब्राह्मण ये सारे एक ही है। और आप लोगों को बताएं कि जो यहूदी थे, यहूदियों ने मोहम्मद साहब के साथ जिंदगी भर क्या व्यवहार किया? यहूदियों ने जो व्यवहार किया मोहम्मद साहब के साथ, जो व्यवहार उन्होंने मोहम्मद साहब के साथ किया, अगर उन्होंने मोहम्मद साहब को नहीं बख्शा, आप लोगों को बख्श देंगे? मोहम्मद साहब को नहीं बख्शा, जो आपके सबसे बड़े अजीब अल्लाह के नबी, उनको नहीं बख्शा। तो वही लोग हैं। अभी प्रूव हो गया, एक कबीला वहां से कहां गया पता नहीं चल रहा था, इधर आया था। आप लोगों के रिकॉर्ड में, इस्लाम के रिकॉर्ड में ये रिकॉर्ड है कि कबीला को पता नहीं चल रहा कहां गया। बहुत सारे कबीलों के बारे में जानकारी मिल रही है मगर एक कबीला जो यहूदियों का है वो कहां गया? वो इधर आया।
वो है। और अगर वो यहूदियों से ही मिले वही लोग है ब्राह्मण, तो इसका मतलब है अगर यहूदी जालिम थे तो ब्राह्मण भी जालिम है। और आपने 1950 को कांग्रेस को वोट देकर जालिम को मदद किया, 60 को मदद किया, 70 को मदद किया, 80 को मदद किया, 90 को मदद किया, यानी जालिम को आपने मदद किया। और हमें भाषण देते रहे कि मोहम्मद साहब ने जालिम को रोकने की शिक्षा दी, हमें भाषण पिलाते रहे आप लोग कि जालिम को रोको और मदद करते रहे आप। बुरा लगेगा, थोड़ा बुरा लगेगा आपको, मगर ये दवा बहुत अच्छी दवा है, ये आत्म परीक्षण की दवा है। ये आप लोगों को मैं आखिरत में जो संकट पैदा होने वाला है उससे बचा रहा हूं। कौन सा संकट? अल्लाह ताला पूछे कि मैंने तो सब कुछ लिख दिया था, कुरान में हदीस में सब कुछ था, फिर भी आपने नहीं माना, फिर एक और आदमी के द्वारा आपको कहलवाया, क्योंकि आप ही लोग कहते हैं कि इंसान दुनिया में अल्लाह ताला के आदेश के बगैर कुछ नहीं करता। तो मेरे दिमाग में फिर आया कैसे, बोलो, समझ रहे ना? मेरे दिमाग में अपने आप तो नहीं आया, ये बात बहुत गंभीर है, बहुत सोचने वाली बात है। तो मैं आपको आखिरत से बचाने के लिए कि आखिरत में ये सवाल उठेगा, तो अभी आपके पास अवसर है कि मजलूम को मदद कर दो, ये आपका फर्ज है, ये करना होगा। और अगर आपने ये किया होता 50 में किया होता, क्यों कह रहा हूं, देखो 27 को आपके बुजुर्गों ने बाबा साहब की मदद की, 32 में आपके बुजुर्गों ने मौलाना शौकत अली साहब ने राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में मदद की, 47 में फजलुल हक बंगाल के चीफ मिनिस्टर, वहाँ जब बाबा साहब अम्बेडकर चुनाव लड़ रहे थे तो वहाँ मदद की, संविधान सभा में भेजा, आपके बुजुर्गों ने मदद की है, ये बात समझ लो, बहुत इंपॉर्टेंट बात बोल रहा हूँ। जब आपके बुजुर्गों ने मदद की, मजलूम को मदद की, बगैर सोचे समझे तो नहीं, मौलाना शौकत अली कोई साधारण बुद्धि के आदमी नहीं, फजलुल हक जब बंगाल अनडिवाइडेड बंगाल के प्रधानमंत्री रहे तो कोई साधारण आदमी नहीं थे, बुद्धिमान आदमी थे, तो उन्होंने बहुत विचार पूर्वक यह काम किया। जब आपके बुजुर्गों ने विचार पूर्वक यह काम किया था, वो अच्छा काम था, इस्लामिक सिद्धांतों के अनुसार सही था, हदीस के सिद्धांत के अनुसार सही था, वो काम आपने आजाद भारत में क्यों छोड़ दिया? पत्रकार साहब, और अगर छोड़ दिया तो आज का संकट छोड़ने का नतीजा है। आज का जो संकट है वो काम छोड़ने का नतीजा है। अगर आजाद भारत में आप लोगों के द्वारा अगर मजलूम और मजलूम का इत्तेहाद निर्माण करने का काम किया होता तो 3.5% ब्राह्मणों की औकात नहीं है कि वो हम लोगों पर अत्याचार कर दे। अभी भी आपको बताता हूं, हमारे इलाके में जहां भी हमारी ताकत है संगठन की, अगर पुलिस उनकी मदद ना करे तो कभी भी पीट सकते हैं, हम लोग पीटते नहीं है, बात अलग है, हम पीटते नहीं है, मगर पुलिस उनकी मदद ना करे, पुलिस उनके सिक्योरिटी में खड़े ना हो, एडमिनिस्ट्रेशन उनके सिक्योरिटी में खड़ा ना हो, कभी भी पीट सकते। अभी बोल रहा हूं सेंट्रल में नरेंद्र मोदी की सरकार है तब भी हम पीटते नहीं है, क्यों? क्योंकि इंसाफ कायम करने का सिद्धांत मानते हैं, और इंसाफ कायम करने की सिद्धांत को मानने वाले लोग अत्याचार करने का काम नहीं कर सकते।
अगर आज वो लोग अत्याचार कर रहे हैं, कल आप अत्याचार करोगे, अरे फिर तो एक ही बात है भाई, इसमें क्या गया? कोई परिवर्तन तो हुआ नहीं, फिर तो गलत बात है, हम नहीं मानते इस सिद्धांत को। ये जो नाइंसाफी का निजाम है, उर्दू का शब्द है ना निजाम, आपको समझ में आया? इसलिए ये जो नाइंसाफी का निजाम उन्होंने कायम किया है, उसको बदलने का मकसद है हमारा। हमारा मकसद दूसरी नाइंसाफी करने वाला निजाम कायम करना मकसद नहीं है। बाबा साहब अंबेडकर ने संविधान में लिखा समता यानी मुसावात है, कुरान का लिया बाबा साहब ने, बाइबल इक्वेलिटी लिया, बंधुता फ्रेटर्निटी, आजादी इस्लाम गुलामों के विरुद्ध में है, दुनिया में सबसे ज्यादा गुलामी खत्म करने का श्रेय जो है इस्लाम। एक गुलाम को मोहम्मद साहब ने अपने कंधे पर बिठाकर अजान दिलवाई है, व्यवहार में करके दिखाया। जो कुरान में अल्लाह ताला ने बताया, मोहम्मद साहब ने कुरान में लिखी हुई बातों को अपने जिंदगी में अमल करके दिखाया, नहीं तो लोग कहेंगे कि अरे तो अल्लाह ताला की बात है भाई, आम आदमी थोड़ी अमल कर सकता है। मोहम्मद साहब ने आम आदमी की जिंदगी जीकर अमल करके दिखाया। सुभी साहब आम आदमी की जिंदगी जिया, ये ध्यान रखो। मोहम्मद साहब की जिंदगी अमीरों की जिंदगी नहीं थी, आम आदमी की जिंदगी जीकर कुरान के सिद्धांतों पर अमल करके दिखाया। हाँ, अमल किया जा सकता है। कोई नहीं कह सकता दुनिया में कि भाई मैं तो यार गरीब आदमी हूं, कैसे अमल करूं। तो इसलिए मैं आप लोगों को यह बता रहा हूं कि आज की सबसे ज्यादा जरूरत, सबसे बड़ी जरूरत मजलूम और मजलूम का इत्तेहाद करने की है, और ये काम इस्लाम का मिशन है। इस्लामिक लोगों को इसके लिए पहल करनी चाहिए थी, मैं कर रहा हूं। सलीम ने मुझे बताया कि कुरान में लिखा हुआ है, अल्लाह ताला ने लिखा कि मैं कोई मुसलमानों का मोहताज नहीं हूं, अगर मुसलमानों ने मेरी बात पर अमल नहीं किया तो मैं गैर मुसलमानों से अमल करवा सकता। सूफी साहब कुरान में सलीम बराबर है ना, तो अब आप लोगों को यह भी समझ में आया होगा कि कुरान की बहुत ज्यादा मौलिक बात मुझे मालूम हो गई है कि मुफ्ती साहब है सोलापुर के, उसको गुरु बनाया था। अभी जब भी मुझे कुछ बात समझ में नहीं आती कुरान की, तो अजहरी साहब वो तो विदेश में पढ़े हैं, बड़े यूनिवर्सिटी की बड़े हैं, उनसे पूछता हूँ। अभी स्टेज पर कुछ बातें पूछ रहा था, उनके पास फौरी जानकारी है, उनकी पढ़ी लिखी बड़ाई है, और वो क्यों बता सकते हैं? मैं अजहरी साहब में अमल देखता हूँ। अजहरी साहब के जिंदगी में कुरान के सिद्धांतों का, हदीस के सिद्धांतों का अमल देखता हूँ, और दूसरे बहुत सारे लोग उनको ये मत बोलो ये बोलो रोकते थे, मगर हक की बात उन्होंने हर बार परवाह नहीं की, इससे क्या होगा। और हमने इसीलिए हक की बात में उनका साथ दिया, 11 नौजवान मालेगांव के छूट कराए। साथियों अभी भी ये लड़ाई जारी है, जंग जारी है, तो मैं आप लोगों को समझा रहा था कि उन लोगों ने राज्य सत्ता की मदद से 6000 जाति के टुकड़ों में हमें बांटा गुलाम बनाए रखने के लिए। बाबा साहब अम्बेडकर ने किताब लिखा
अनटचेबली के ऊपर कहा, गुलामी से ज्यादा खतरनाक है अनटचेबिलिटी। अजरी साहब, बाबा साहब ने लिखा, कोई साधारण आदमी ने लिखा, गुलामी से ज्यादा खतरनाक है अनटचेबिलिटी। ब्राह्मणों ने बनाई, 6000 जाति के टुकड़ों में ब्राह्मणों ने हमको बांटा, जिन्होंने हमें जानवरों की व्यवस्था इंसानों पर लागू कर दी। ब्राह्मणों ने जानवरों की व्यवस्था इंसानों पर लागू कर दी। जातियां जानवरों में होती है, इंसानों में नहीं। आपको बता दो, घोड़ा, गधा, खच्चर, सुअर। घोड़े घर में घोड़ा, गधे घर में गधा, खच्चर घर में खच्चर, सुअर के घर में सुअर पैदा होता है। ये सारे लोगों को एक नाम है जानवर। तो जानवरों में अलग अलग जातियां है, इंसानों में जातियां नहीं होती है। अभी बता दो, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ब्राह्मणों ने बनाया, ये चारों को इंसान कहते हैं। तो इंसान के घर में इंसान पैदा होता है, ब्राह्मण के घर में, क्षत्रिय घर में, वैश्य के घर में, शूद्र के घर में। पत्रकार साहब समझ रहे, जातियां जानवरों में होती है, इंसानों में जातियां नहीं होती। जानवरों की व्यवस्था ब्राह्मणों ने हम लोगों पर थोपी, SC ST OBC पर। और जानवरों की व्यवस्था जिन लोगों ने थोपी, आप कहते वो हिंदू है, आप कहते वो हिंदू है, गलत बात है, हिंदू नहीं है, ये तो ब्राह्मणों के बनाए हुए गुलाम है भाई। और इस्लाम का महान मिशन है, गुलामों को गुलामी से आजाद करवाओ। ये काम हो नहीं रहा है। दूसरी अहम बात मैं बात को बताना चाहता हूं कि अनटचेबल लोगों की माशी हालत, बराबर है उर्दू, माशी हालत नहीं, आर्थिक, हाँ वही बता रहा हूँ भाई, आपके साथ रहते रहते मैं उर्दू सीख रहा हूँ, आप सुनते सुनते सीख रहा हूँ। कि हमारी अनटचेबल लोगों की, आदिवासियों की हालत मुसलमानों से बहुत खराब है। अगर आप गांव में जाकर देखो, हम उस दिन गए, फ्लड की वजह से लोगों के घरों का क्या सिचुएशन हुआ है देखा नहीं जा सकता। मगर फ्लड्स में अगर खराब नहीं भी हुआ तो भी उनके घर की हालत, उनकी स्थिति गांवों की, देहात की, बिल्कुल देखने लायक नहीं है, बहुत ज्यादा खराब है। मुसलमानों की हालत ऐसी नहीं है। आपके ऊपर कांग्रेस ने एक संकट थोपा, कौन सा, कि आपको नौकरी नहीं देंगे। आप लोगों के ऊपर एक संकट थोपा गया, कौन सा, कि आपको नौकरी नहीं देंगे। आप लोगों ने रास्ता निकाला, चलो ठीक है, आप नौकरी नहीं देंगे, हम व्यापार करेंगे, उद्योग करेंगे, व्यवसाय करेंगे, ट्रेड करेंगे। आप उस साइड में आपने मामले को डेवलप किया। व्यापार में क्या होता है जानते हो, उद्योग व्यवसाय में क्या होता है, होटल का बिजनेस, खाने का शुरू करो, खाने के धंधे में 40% इन्वेस्टमेंट, 60% बेनिफिट। एक रुपया इन्वेस्ट करोगे तो 60 पैसे प्रॉफिट मिलता है। ये उद्योग देखने वाले हमारे सेठ जी यहाँ है, मदद कर रहे हैं इस तरह के काम में। जब मदद कर रहे हैं तो हाजी साहब का आखिरत पक्का हो गया, ठीक हो गया है, उसमें गलत नहीं होगा, उनको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो आप लोगों की जो आर्थिक स्थिति है, माशी हालत है, वो अनटचेबल लोगों को, उन लोगों ने, आदिवासी लोगों को तो जंगलों में रहने के लिए मजबूर किया। और कांग्रेस ने 2006 में कानून बनाया, उस कानून के तहत सुप्रीम कोर्ट ने पिछले साल ऑर्डर दिया, 13 लाख आदिवासियों को जंगल से निकालो, भगाओ। कांग्रेस ने जो कानून बनाया उसके आधार पर फैसला दिया, वो 2-3 हजार साल से जंगलों में रह रहे हैं, वहां से भगाने का, 13 लाख आदिवासियों। अब
खुशी की बात यह है कि आदिवासी जिन जंगलों में रहते हैं उन जंगलों के जमीन के नीचे इतनी धन संपदा है कि 20-25 साल पहले उस धन संपदा की कीमत निकाली गई थी, उस धन संपदा की कीमत थी 11,000,000,000 करोड़। कितना होता है पता नहीं है, कोई गणित वाला ही बता सकता है, 11,000,000,000 करोड़ 20 साल पहले की, और अभी तो उसका कितना आंकड़ा बढ़ गया होगा। अगर 25% रॉयल्टी आदिवासियों को दिया जाए तो हर आदिवासी 1,000 करोड़ का मालिक हो सकता है। अगर 1,000 करोड़ रुपया उसने बैंक में रख दिया तो उसको ब्याज इतना मिलेगा, साला सोना खाएगा तो भी सोना नहीं खा पाएगा, इतना इतना बगैर किसी मेहनत के इतना इतना धन संपदा जमीन के नीचे है। और ये उनके लिए संकट का कारण बन गया। उनके घरों में रात के 2 बजे पुलिस घुसाई जाती है और उनको जमीन के कागजात देने के लिए कहा जाता है, नहीं दिया जाता, उनको नक्सलाइट घोषित करके वहां से भगा दिया जाता है, जमीन पर कब्जा कर दिया जाता है। जैसे कश्मीर की खबर नहीं आ रही है वैसे आदिवासियों की भी कोई खबर नहीं आती। परिस्थिति आप लोगों को अभी 1 महीने से ज़्यादा समय हो गया, कश्मीर के मुसलमानों के साथ जो हो रहा है वो आपको कितना तकलीफ पहुंचा रहा है मैं समझ सकता हूँ, मगर हमारी तकलीफ का अंदाज़ा करो कि जो कश्मीर के लोगों के साथ हो रहा है वो 3,000 साल से हमारे साथ हो रहा है और ब्राह्मण कर रहा है, फिर भी आप कहते हम हिंदू हैं, ब्राह्मण भी हिंदू और हमें गुलाम बनाने वाला ब्राह्मण वो भी हिंदू और गुलाम बनाए जा चुके लोग भी हिंदू, दोनों हिंदू, और ये दोनों हिंदू मिलकर मॉब लिंचिंग कर रहे हैं मुसलमानों पर। कितनी गलत बात आप कहते रहते हो। 1,000 सालों से हम लोगों पर अत्याचार करने वाला आदमी वो भी हिंदू नहीं है, हम भी हिंदू नहीं है। हिंदू नाम का शब्द ही वेद श्रुति स्मृति पुराण रामायण महाभारत गीता में नहीं है। हिंदू शब्द भारतीय नहीं है, पर्शिय नहीं, चोर काला उचक्का डिक्शनरी लिखी जोशी नाम के ब्राह्मण ने पुना के, उसमें लिखा है ये अर्थ हिंदू शब्द का अर्थ। हमने लिखा ब्राह्मण नाम का जो जोशी है उसने डिक्शनरी में लिखा है, उनका ही कह रहे हैं हम लोग। अगर आप हमको हिंदू कहोगे तो उसका अर्थ होगा काले हो, चोर हो, गुलाम हो, नीच हो। आप जब हमको कहते हैं तो हमको अरे ब्राह्मण कहता है तो बहुत दुख होता है, मुसलमान कहता है तो अरे बाप रे दुख का कोई लिमिट ही नहीं रहता, इतना दुख होता है कि हमको हिंदू क्यों कह रहा है, जो कहना चाहो कहो मगर हिंदू मत कहो भाई, और कोई गाली देना चाहते हो दे दो हिंदू मत कहो। अगर आप हमको हिंदू नहीं कहोगे तो जानते हो क्या होता है, 50% हमको आराम हो जाएगा, 50% हम जिन्होंने हमको गुलाम बनाने का षड्यंत्र किया उनको जूते मार के ठीक कर लेंगे, 50% आप तो करो, आपको केवल कुछ भी खर्चा भी नहीं करना है, एक नया पैसा खर्चा नहीं करना है। क्या करना है, हम आज से संकल्प करते हैं एससी एसटी ओबीसी को हिंदू नहीं कहेंगे। कोई पैसा खर्चा आया ऐसा कहने का, जबान खर्चा करना है, पैसा खर्चा नहीं करना है, जबान खर्चा करना है। इससे भाईचारा बनेगा, एससी एसटी ओबीसी और मुसलमानों में भाईचारा बनेगा। मुसलमानों को आने वाले समय में देखना होगा कि एससी एसटी ओबीसी जिनका इस्तेमाल ब्राह्मण मुसलमानों के घरों को जलाने के लिए, मुसलमानों को मारने के लिए मॉब लिंचिंग में, आपने सुना कभी कोई जोशी ने मॉब लिंचिंग किया, कोई तिवारी ने मॉब लिंचिंग किया, सुना आपने कभी, कभी नहीं सुना किसी पांडे ने मॉब लिंचिंग किया,
मॉब लिंचिंग एससी एसटी ओबीसी के लोग करते हैं, 3000 साल के जाहिल लोग हैं, जाहिल ब्राह्मणों ने बनाए और जाहिल लोगों का इस्तेमाल कर रहे हैं। अरे जाहिलों का इस्तेमाल नहीं होगा तो किसका होगा? आप ही लोगों का तो शब्द है जाहिल। अनपढ़ शब्द तो हमारा हिंदी वाला है, ये अनपढ़ से बढ़िया शब्द तो मुझे जाहिल लगता है, बढ़िया शब्द, क्योंकि आक्रामक शब्द है। अनपढ़ सौम्य है, ढीला ढाला है, जाहिल आक्रमण करता है। तो ब्राह्मणों ने हम लोगों को जाहिल बना के रखा, तब तो वो मुसलमानों के खिलाफ में इस्तेमाल करने में कामयाब हो रहे हैं। एक सलाह देता हुआ, एससी एसटी ओबीसी का इस्तेमाल ब्राह्मण मुसलमानों के विरोध में कर रहे हैं, आपको तकलीफ हो रही है, एससी एसटी ओबीसी का ब्राह्मणों के खिलाफ आप इस्तेमाल क्यों नहीं करते? आपको सीधी बात समझ में नहीं आती है तो ठीक है, मगर मैं आपको कितनी सीधी सीधी बता रहा हूं। अरे वो इस्तेमाल कर रहे जाहिल है, आप भी इस्तेमाल करो जाहिल है, फर्क क्या होगा? वो जब इस्तेमाल करते तो आपकी पिटाई करते हैं, आप इस्तेमाल करो तो उसकी पिटाई होगी। कितना डायरेक्ट कितना समझाओ भाई आपको, ये जो वीडियो रिकॉर्डिंग हो रहा है, ये सारा का सारा रिकॉर्डिंग हो रहा है, हमारा पत्रकार बंधु जो है ईटी का, वो भी रिकॉर्ड कर रहा है, रिकॉर्ड में ही बोल रहा हूँ जानबूझकर, उनको मैसेज जाना चाहिए। तुम इस्तेमाल कर रहे हो अगर गलत नहीं है, मुसलमान इस्तेमाल करेगा तो गलत कैसे होगा? मगर मुसलमानों का कल्चर इस्तेमाल करने का नहीं है, मुसलमानों का कल्चर तो मुसावात का है, मुसलमानों का कल्चर तो इंसाफ कायम करने का है, तो चलो मुसावात और इंसाफ कायम करने के लिए इस्तेमाल करो, चलो ठीक है ऐसा करो, बदल दो, आप अपने कल्चर के अनुसार करो, मगर करो तो सिद्धांत में डाल दो, इस्लामिक सिद्धांत में डाल दो, कुरान के सिद्धांत में डालो। और जो मोहम्मद साहब ने जिंदगी भर करके दिखाया, जिंदगी भर जो करके दिखाया, और आखिरी खुतबा, खुतबा ही कहते हैं ना आप लोग, आप लोगों को समझ में आया कि बहुत सारी बातें मैं समझ चुका हूं। आखिरी खुतबा भी मोहम्मद साहब ने हम लोगों के समर्थन में दिया हुआ है, मजलूमों के समर्थन में है, तो इसका मतलब है मोहम्मद साहब ने आखिरी खुतबा अगर हमारे समर्थन में दिया तो इसका एक मतलब है वो जिंदगी भर यही करते रहे, इसलिए आखिरी में भी वही बात उनके मुंह से निकली। जो बात मोहम्मद साहब जिंदगी भर करते रहे, वो बात अगर आप करते हो, अमल करते हो, तभी तो माना जाएगा आप मुसलमान हो। ईमान नहीं है और मुसलमान हो तो कैसे होगा? ईमान नहीं है और मुसलमान हो कैसे माना जाएगा? ब्राह्मणों के संस्कृत में ईमान नाम का शब्द नहीं है, ईमान और ईमानदारी। क्यों ब्राह्मणों के संस्कृत में ईमान और ईमानदारी शब्द क्यों नहीं है? क्योंकि ब्राह्मणों का ईमान और ईमानदारी से कोई संबंध नहीं है। रियलिटी बता रहा, रियलिटी बता रहा, वो जिंदगी भर वो लोगों के विरोध में ही, उनकी ज़हनियत जो है, उनका बिलीफ सिस्टम जो है, उनका फेथ जिसको आप अकीदा कहते हो, उनका भी अकीदा है, ऐसा नहीं है वो जो करते हैं वो अकीदे के तहत करते हैं, उनका भी अकीदा है कि सारे इंसान बराबर नहीं है। इस्लाम कहता है सारे इंसान बराबर है, उनका भी अकीदा है सारे इंसान बराबर नहीं है, अकीदा है उनका। आप लोग लिटरेचर पढ़ो, उनका ब्राह्मणों का लिटरेचर पढ़ो, आपको पढ़ेगा पता चलेगा। तो इसलिए मैं आपको जो कहना चाहता हूं, एक ही बात बार बार रिपीट करके समझाने का प्रयास कर रहा हूं कि जो समाधान है, जो सॉल्यूशन है आज देश में जो समस्या पैदा हुई उसका, उसका समाधान है, हम 3000 साल के मजलूम, आप
वो मजलूम बनाने का कार्यक्रम कांग्रेस ने 15 अगस्त से शुरू किया और अब आप मजलूम बना दिए गए हो, तो हम 3000 साल के पुराने मजलूम हैं, आप नए नए मजलूम हैं। जो नया नया मजलूम होता है उसके जख्म हरे होते हैं, हमारे तो कितने बार जख्म लगाए गए और कितने बार हरे हो गए और कितने बार लाल हो गए, साली उसकी कोई गिनती नहीं, 3000 साल। अब आपके जख्म नए नए हैं, जो नए नए जख्म होते हैं तो आदमी प्रतिक्रिया ज्यादा करता है, अरे हमारी कितनी बार पिटाई हुई फिर छोड़ दिया, फिर पिटाई हुई फिर छोड़ दिया, बहुत बार। तो इसलिए समाधान ये है कि 3000 साल पुराने मजलूम आप हमें मजलूम मानो, आप हमें मजलूम कहो। संविधान कहता है एससी एसटी ओबीसी, संविधान में कहीं पर भी एससी एसटी ओबीसी को हिंदू नहीं कहा गया है, उनको रिकॉग्नाइज किया है एससी एसटी ओबीसी के तहत। और ब्राह्मण कहते हैं सिंधु से हिंदू हुआ, तो इसका मतलब ये क्षेत्रीय शब्द है, और अगर क्षेत्रीय शब्द है तो धार्मिक नहीं है, अगर धार्मिक नहीं है तो हिंदू धर्मी है, ऐसा कहने का भी मतलब नहीं निकलता है। तो इसलिए मजलूम और मजलूम का इत्तेहाद ये भारत का आने वाले समय का मुस्तकबील, यानी मुस्तकबील उर्दू शब्द है, हिंदी भविष्य। भारत का जो भविष्य है वो इन लोगों के इत्तेहाद पर निर्भर करता है। ब्राह्मण तो भविष्य में भी भारत के टुकड़े करने के लिए आमादा हो सकता है, और अभी मॉब लिंचिंग से जो हालात देश में वो पैदा कर रहे हैं वो देश को एक बनाए रखने के पक्ष में नहीं है, वो देश की एकता और अखंडता को खतरे में डाल रहे हैं, वो खुद डाल रहे हैं, जिन्होंने भारत के एक बार टुकड़े किए, केवल इसलिए टुकड़े किए कि यदि मुसलमान भारत में ही रहे तो एससी एसटी ओबीसी के लोग मुसलमानों के साथ गठबंधन करेंगे, और अगर करेंगे तो 3.5% ब्राह्मणों का राज भारत में नहीं आ सकता, ये सोचकर भारत का टुकड़े किए गए, और बदनामी मुसलमानों की गई, मुसलमानों को बदनाम किया गया क्योंकि मीडिया उनके पास था, मीडिया उनके पास था इसलिए मुसलमानों को बदनाम किया। भारत को तकसीम करने का काम, विभाजित करने का काम ब्राह्मणों ने किया। 157 वर्ष 15 वोटों से कांग्रेस महासमिति में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में रेजोल्यूशन पास हुआ है, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस हमारे पास में, काल्पनिक बातें नहीं कह रहा हूं। तो इसलिए ये, और यही वजह है कि गांधी जी को संविधान सभा ने राष्ट्रपिता का कोई कानून पास नहीं किया, राष्ट्रपिता का रेजोल्यूशन पास नहीं किया, गांधी जी को राष्ट्रपिता का कोई रेजोल्यूशन पास नहीं है। बल्कि हमें अगर अवसर मिल गया तो हम लोग गांधी जी को पाकिस्तान का राष्ट्रपिता घोषित करेंगे, वो हमें अवसर मिला तो पहले ही दिन करेंगे, पहले ही दिन। ये सारा डॉक्यूमेंट्री है, मैं तो किताब लिख रहा हूं, किताब आने वाली है। तो मैं आखिरी बात यही कह रहा हूं, जोर दे के कह रहा हूं कि ये जो भारत का भविष्य है, हम तमाम मजलूमों का भविष्य है, वो तमाम जितने मजलूम हैं केवल मुसलमान नहीं है, मगर मुसलमानों का अधिवेशन इसलिए बोल रहा हूँ, सिख भी हमारे साथ है, बुद्धिस्ट भी हमारे साथ हैं, जैन भी हमारे साथ हैं और क्रिश्चियन भी हमारे साथ हैं, वो सब लोग इस सिद्धांत को मान रहे हैं, और एससी एसटी ओबीसी के लोगों को जितना मैं सारे देश भर में जगा चुका हूँ, और जितना मैं जहाँ जहाँ भी हमारी ताकत है, मैं मीरज का एक उदाहरण देता हूं, हमारे सलीम साहब के रह का, मीरज में एक मौलाना को पकड़ कर लेके गए, 200-400 लोग पुलिस स्टेशन गए, और मौलाना को इंस्पेक्टर को फौरी छोड़ना पड़ा। क्यों? इंस्पेक्टर ने पूछा तो 200-400 लोगों में मुसलमान कितने, कहा एक भी नहीं, ये तुम्हारे में मुसलमान कितने, कहा एक भी नहीं, अरे मौलवी को छोड़ने के लिए आए। तो वो इंस्पेक्टर को मालूम नहीं था, हमारे पढ़े लिखे आदमी ने उसको कहा आप इंस्पेक्टर हैं, धर्म के आधार पर बात करें,
अरे नहीं नहीं मैं तो मतलब जानकारी के लिए ऐसा करा, उसको समझ में आया तो पढ़ा लिखा आदमी लग रहा है, कम्युनल का आरोप लगा कि मेरी नौकरी खा लेगा, उसको मौलवी को छोड़ दिया। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये इसका प्रैक्टिकल सोल्यूशन है। जब मुसलमान मुसलमान को छोड़ने के लिए गया होता ना, उसमें से दो चार लोगों को पकड़कर अंदर डाल देता, चालू है देश में। तो ये इत्तेहाद मजलूम और मजलूम का इत्तेहाद जो है, ये इसका सोल्यूशन है। और इसीलिए सारे देश भर में मुसलमानों की जो समस्याएं हो रही है, हम लोग उस पर एक्शन कर रहे हैं। आखिरी बात कहकर समाप्त करता हूं। जम्मू कश्मीर में जो मामला हो रहा है, उसके बारे में बहुत सारा कंट्रोवर्शियल मामला है। बाबा साहब अम्बेडकर ने जब लॉ मिनिस्टर का इस्तीफा दिया था तो लिखित रूप से लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है कि जम्मू हिंदुओं का इलाका है भारत को दे दो, कश्मीर मुसलमानों का इलाका है पाकिस्तान को दे दो, लद्दाख जो है वो नॉन मुस्लिम एरिया है भारत में रखो, लिखित है। 52 को बाबा साहब अम्बेडकर ने नेहरू के समय में लॉ मिनिस्टर का इस्तीफा दिया, इस्तीफा में लिखा हुआ। अभी नरेंद्र मोदी क्या कह रहा है, नरेंद्र मोदी कह रहा है कि बाबा साहब अम्बेडकर भी ऐसा ही चाहते थे। ऐसा तो नहीं चाहते थे, बाबा साहब अम्बेडकर तो कुछ और चाहते थे, मगर लोग पढ़ते नहीं, लोगों को मालूम नहीं। नरेंद्र मोदी ने सोचा होगा कि बाबा साहब अम्बेडकर का इस्तीफा किसी ने पढ़ा नहीं होगा, उसको मालूम नहीं हुआ। अमन मेशराम ने बहुत दिन से पढ़ा हुआ है। तो मैं आज के मौके पर आपको जो कहना चाहता हूं वो ये है कि सबसे पहले अभी कश्मीर के लोगों की जरूरत क्या है। कश्मीर के लोगों की जरूरत यह है कि उनके मानवाधिकार को बहाल किया जाए, पहली बात। बाद में आंदोलन वगैरह वगैरह, संवैधानिक मुद्दे, संवैधानिक है नहीं है, गलत है सही, ये लड़ाई बात की बात है। पहले उनके मानवाधिकार को, ह्यूमन राइट्स को बहाल किया जाए। मानवाधिकार का क्या मतलब है? मानवाधिकार का मतलब यह है कि उनको खुले रूप से घूमने फिरने की आजादी होनी चाहिए, मार्केट में जाने की, सब्जी लाने की, जो पसंद की सब्जी है वो लाकर घर में पकाने की, जो उनकी मर्जी है उसके अनुसार टेलीफोन करने की, किसको टेलीफोन करना चाहते हैं उसको टेलीफोन करने। मानवाधिकार बहाल किया जाए पहली बात। आंदोलन क्या करना है क्या नहीं करना है और कश्मीर के लोगों के साथ में और उनके साथ न्याय हो इसके लिए क्या करना है ऑल इंडिया में, वो भी करेंगे। अगर मानवाधिकार उनके लागू नहीं होते हैं तो मैं केंद्र सरकार को चेतावनी देता हूं कि अगर वो लागू नहीं करते हैं तो देश भर में, सारे देश भर में मामसेठ, भारत मुक्ति मोर्चा और राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा और तमाम मोर्चा जो क्रिश्चियन मोर्चा है, सिख मोर्चा है, सारे मिलकर आंदोलन करेंगे, सारे देश भर में करेंगे, 550 जिलों में करेंगे। कश्मीर में नहीं करने देंगे, मगर यहाँ तो खुला है ना यहाँ तो हम कर सकते हैं। पुलिस वालों ने बॉम्बे में परमिशन नहीं दिया कि तुम ऐसा नहीं कर सकते, तो वहां के कार्यकर्ता ने मुझे टेलीफोन किया कि वो पुलिस वालों ने ऐसा लिखा कि आपको परमिशन नहीं मिल सकती है, ये नहीं करने देंगे आपको, ऐसा लिख कर दिया, क्या करें। मैंने कहा जैसे उसने लिख कर दिया ना वैसे तुम लिख कर दो। क्या लिख कर दे? लिखा लो कागज, लिखो मैं क्या बोलता हूँ कि आर्टिकल 19 के तहत हमें मौलिक अधिकार है करने का, तुम मना कर रहे हो, इसका मतलब है तुम संविधान का उल्लंघन कर रहे हो, आपके खिलाफ हाईकोर्ट में केस क्यों न किया जाए, क्योंकि हमारा तो तरीका संवैधानिक है, तुम्हारे बाप का दिया हुआ नहीं है अधिकार। हम कह सकते हैं वामन मेजराम हमारे बाप का दिया हुआ है, बाबा साहब अम्बेडकर हमारा बाप है, उसने हमें अधिकार दिया, हम कह सकते हैं कि आर्टिकल 19 के तहत हमारा अधिकार है। तुम कौन होते हो पुलिस वाले हमारे मौलिक अधिकार का रुकावट डालने वाले? ठीक है, अगर तुमने ऐसा किया तो तुम्हारे खिलाफ हाईकोर्ट में केस दायर करेंगे। और दूसरा मैंने कहा और लिखो, और हम करेंगे, तुमने अनुमति दिया तो करेंगे, नहीं दिया तो करेंगे, और तुमको जो करना है तुम करो, हमको जो करना है हम करेंगे, तुमको क्या करना है
कि हमने कानून का उल्लंघन किया, ऐसा तुम कहते हो, जेल में डालो, हम जेल में जाने के लिए तैयार। अब उसको मालूम है कि हमने कोई उल्लंघन तो किया नहीं, उल्लंघन तो उसने किया, जेल में भी हम लोगों को ले नहीं जा सकते, जेल में भी नहीं लेके जा सकते। थाने में आईपीएस ऑफिसर ने मेरे कार्यक्रम को अनुमति नहीं दी, तो मैंने हाईकोर्ट के द्वारा उसको नोटिस दिया। उसके बाद मुमरा में मुस्लिम पर्सनल बोर्ड का दीन बचाओ दस्तूर बचाओ कार्यक्रम हुआ, सुफी साहब दीन बचाओ दस्तूर बचाओ, अब इनको भी मालूम है। तो वहाँ मैं गया, उसने देखा मुझे, मैं वहाँ गया था, तो मुस्लिम नौजवानों को बुलाया आईपीएस ऑफिसर ने, तो आमन मेसाम को ज़्यादा बोलने के लिए समय मत देना, क्योंकि उनको मालूम था जो आमन मेसाम तो पानी लगाए बगैर हजामत करता है, पानी लगाने के बाद हजामत करेगा तो ज़्यादा तकलीफ नहीं होती, साला बगैर पानी के ही हजामत कर लेता है तो फिर तो तकलीफ होती है। तो नौजवान मुसलमानों ने आईपीएस ऑफिसर को कहा, वो तो राष्ट्रीय अध्यक्ष है, हम नहीं कह सकते उसको, आप आईपीएस ऑफिसर हैं, आप क्यों नहीं कहते, आपको कहा कि मैं तो बिल्कुल ही नहीं कह सकता, कहा क्यों, उसने तो हाईकोर्ट ने नोटिस दिया हुआ है मुझे। तो आईपीएस ऑफिसर ने वहां के मुमरा के जो नौजवान थे उनको कहा, उसने तो हाईकोर्ट का नोटिस दिया हुआ है मुझे, तो मुझे कानून मालूम है, संविधान मालूम है, संविधान के दायरे में रहकर देश भर में अकेला ही घूमता हूं, लकड़ी लेकर भी नहीं घूमता, उसको मालूम है। अगर मुझे कुछ खरोज भी अगर आ गई, मॉब लिंचिंग मेरे ऊपर तो कल्पना से बाहर है, खरोज भी आ गई तो उनको कितना खतरा पैदा हो जाएगा उनको मालूम है। अभी भीमा कोरेगांव में जब गड़बड़ी किया तो मैंने महाराष्ट्र बंद का आह्वान किया था ना, आप लोगों ने देखा होगा, महाराष्ट्र बंद का आह्वान किया था, तो फडणवीस के घर को सिक्योरिटी किसकी थी मालूम है, पुलिस की नहीं थी, मिलिट्री की थी। फडणवीस के घर को नागपुर में मिर्जा साहब, आप उधर के विदर्भा के, मैं भी उधर का ही हूँ, तो नागपुर में फडणवीस के घर को पुलिस सिक्योरिटी नहीं थी, मिलिट्री की सिक्योरिटी थी। बोलता है इतने पागल लोग हैं, पुलिस को तो ऐसे ही उड़ा देंगे हवा में। इसलिए मैं आप लोगों को बता रहा हूं, ए ब्राह्मण, आप ब्राह्मणों से आप डरे हुए हो, अरे वो हमको डरते हैं भाई, तो आप ब्राह्मणों को डरते हो, वो हमसे डरते हैं, आप ब्राह्मणों से डरते रहते हो। ब्राह्मणों को क्यों डरते हो, केवल अल्लाह ताला को डरो, केवल अल्लाह ताला को डरो, ब्राह्मणों से डरने की जरूरत नहीं है। आखिरी बात मैं कह दिया हूं, कश्मीर के मुद्दे पर ऑल इंडिया में अगर मानवाधिकार बहाल नहीं किए तो मेरी परिवर्तन यात्रा तो जारी है, मैं परिवर्तन यात्रा में रहते रहते ही आदेश दे दूंगा, क्योंकि तो मुझे आंदोलन में शिरकत करने के लिए डायरेक्ट हर जगह जाने की जरूरत नहीं है, मेरे सारे उस्ताद लोग जो है सारे देश भर में फैले हुए हैं और उनको जेल में जाने की बहुत खुशी है, हाँ उनको डर नहीं है, क्यों, क्योंकि उनको मैंने एक बात समझाया कि गांधी जी महान नहीं थे, वो जेल में जाते जाते महान हो गए, अगर तुम भी महान बनना चाहते हो जेल में जाओ। तो ये बात उनके समझ में आ गई, अरे महान बनने का बहुत सस्ता और बहुत आसान तरीका जो है, क्योंकि तो जेल में जाते ही जैसे ही आदमी जेल से बाहर निकलता है उसके गले में इतने हार पड़ते हैं कि उसका चेहरा दिखाई नहीं देता, वो हीरो का हीरो हो जाता है, गांधी जी इसी तरह से हीरो हो गए थे। तो इसलिए हम लोगों को जेल में जाने की बिल्कुल भी कोई डर नहीं है। मैं गुजरात में जब गया तो नरेंद्र मोदी के आदेश पर मुझे जेल में डाला गया, आपको शायद पता नहीं, मैं जेल में नरेंद्र मोदी के गुजरात के जेल में जाकर वापस आया हुआ हूँ, मुझे जेल का कोई डर नहीं है, जाके वापस आया हूँ। वो तो वहां का जो जज है और वहां के पुलिस वाले इतने परेशान थे, ये 24 घंटे में 10 स्टेट के वकील कैसे पहुंच गए वामन मेसाम को कोर्ट में जमानत के लिए, 10 स्टेट के
अजीरी साहब 10 स्टेट के वकील पहुंच गए थे 24 घंटे में। तो वहां के पुलिस बोले वहां इस्लाम कौन है भाई, साले 10 स्टेट के वकील। संगठन बनाया है 542 जिले में, आप लोग साथ दो ना तो ये मामला जो है ना मॉब लिंचिंग का मामला 72 घंटे में खत्म कर देगा। आप लोगों को साथ दो ना तो मॉब लिंचिंग 72 घंटे में बंद कर देता हूं, ज्यादा समय नहीं लगेगा, 72 घंटे में। आप लोगों का जितना साथ मिलना चाहिए, जैसे आपके बुजुर्गों ने उस समय दिया था, अगर वैसा साथ दे तो ये मामला हल हो जाएगा। मैं कोई मंत्री नहीं हूं जो आपको आश्वासन दो। मंत्री का आश्वासन तो जानते हो कैसे होता है, एक बार एक मंत्री हो गया, मंत्री होकर के अपने इलाके में गया तो उसने उसका लोगों ने नागरिक अभिनंदन किया तो उसने लोगों को कहा आज जो मांग रहे हैं मांगो। तो लोगों ने कहा मंत्री साहब सब लोगों के इलाके में शुगर फैक्ट्रियां लगी हुई है, अपने इलाके में शुगर फैक्ट्री नहीं है, शुगर फैक्ट्री होनी चाहिए, जरा सैंक्शन मंजूर। तो उसने कहा अब शुगर फैक्ट्री मैंने मंजूर कर दिया है, शुगर फैक्ट्री तो तब चलेगी जब गन्ना होगा, तो अपने अपने खेतों में गन्ना लगाओ। तो लोगों ने किसानों ने कहा गन्ना लगाने के लिए पानी चाहिए, तो इसलिए पानी के लिए डैम बनाना होगा, कहा डैम मंजूर। एक आदमी खड़ा हो गया, उसने कहा अपने इलाके में नदी नहीं है मंत्री साहब, नदी मंजूर। जब कोई काम साला करना ही नहीं है, केवल आश्वासन देना है, तो मैं तो अपनी जिंदगी में जो कर नहीं सकता वो बात मैं मुंह पर बोल देता हूं, नहीं ये नहीं कर सकता, तो बुरा लगता है मगर मैं ये नहीं कर सकता, जो कर सकता हूं वो ही बोलता हूं। और इसलिए कह रहा हूं मौ अगर आप साथ दो ना सारे देश भर में वो 72 घंटे भी बंद कर देता हूं, ज्यादा समय नहीं लगेगा। आपने मेरी बात ध्यान से सुनी, इसके लिए आभार, धन्यवाद। अफजाल अहमद साहब मानेगा उनकी तरफ से 2000 रुपए ये संगठन को देना चाहते हैं, मैं उनसे गुजारिश में बैठे और एक दो मिनट अफजाल अहमद साहब से गुजारिश करता हूँ कि वो साहब के हाथ में अपनी रकम सौंप दें। मैं तमाम स्टेज पर रौनक अफरोज तमाम लोगों का राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा और कुल जमाती तंजीम की तरफ से शुक्रिया अदा करता हूँ। तमाम धर्म के गुरु धर्म गुरु यहाँ पर तशरीफ़ फरमा है उन तमाम लोगों का भी शुक्रिया अदा करता हूँ। इसी तरह ख़ास तौर पर कुरैशी सुल्तान खान, ये यहाँ के प्रिंसिपल हैं उर्दू हाई स्कूल के, इन्होंने भी हमारे अच्छी खिदमत की और हमें हमारा अच्छा सपोर्ट किया। मैं